Assalamu alaikum. Let's sit comfortably. Detach ourselves from everything around us. अपने आप को अपने असल के साथ कनेक्ट करके स्ट्रॉन्ग करते हैं आज. हायर होली एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी वो ज़ात जो पाक है, मुनज़्ज़ह है, ऊला और आला है, नूरानी है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ पीस, सोर्स of happiness, divine, Rab Taala. अपने अल्लाह की याद में बैठते हैं, अपने अंदर की एनर्जी को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, अपने आप को अल्लाह की पावर से फिल अप करते हुए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और आसान बनाएंगे. आज इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि लोगों की गीबत करने की बजाय, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात, नेगेटिव थॉट्स और बैड इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस रखने की बजाय, हम उनके लिए पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे और उनको दुआएं देंगे. जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा गुमान करते हैं, तो दरअसल हम उनका फ़ायदा नहीं बल्कि अपना फ़ायदा करते हैं. लोगों के लिए क्रिएट किए हुए अच्छे थॉट्स उनसे पहले हम पर असर करते हैं. कोई आपके साथ कैसा ही सुलूक क्यों ना करे, कोई आपको ईज़ा पहुंचाए, दुख पहुंचाए, आपके साथ ज़्यादती करे, तो ज़हन में रखिए वो आपसे ज़्यादती नहीं कर रहे, बल्कि जो नेगेटिविटी वो आप तक भेज रहे हैं, अपनी सोचों, अपने अल्फाज और अपने बिहेवियर के ज़रिए वो सबसे पहले उनको इफ़ेक्ट कर रही है. जब भी आपके दिल में किसी के लिए कोई नेगेटिव ख्याल आए, तो आप उस शख्स को दुआ दीजिए. मुखलिसी के साथ दी हुई दुआएं उनसे पहले आप पर असर करेंगी. जब कोई किसी की बुराई करता है, तो वो उस शख्स की बुराई नहीं होती कि जिसकी गैर मौजूदगी में बुराई की जा रही होती है, ये उस शख्स की बुराई होती है जो अपने मुंह से नेगेटिव अल्फाज बयान करता है. क्योंकि हम जैसे होते हैं, हम वैसा ही लोगों के बारे में सोचते हैं, वैसी ही बात हम उनके लिए करते हैं. आज के बाद जब आपके पास कोई किसी की बुराई लेकर आए,
तो उसकी बुराई सुनने की बजाय आप माजरत करके उस शख्स के अंदर जो अच्छाई है उसका तस्करा कीजिए, उस अच्छाई पर फोकस कीजिए, लोगों की क्रिएट की गई नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को दुआओं में बदल कर लोगों तक वाइब्रेशंस भेजें। आज हम अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, हम लोगों को बुरा भला कहने की बजाय लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने की बजाय जिन्होंने हमें दुख दिए, तकलीफ़ दी, उस दुख और तकलीफ़ को याद करने की बजाय इस बात का एहसास करेंगे कि वो जो हमें दुख पहुंचा रहे हैं वो दरअसल खुद तकलीफ और दुख में है और हम उनको दुआएं भेजेंगे। जिसके पास जो होता है वो वही दूसरों को देता है। एंड आई वॉन्ट टू प्रे फॉर एवरी वन, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज डन गुड टू मी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज डन बैड और इविल इन माई लाइफ। मेरा काम दुआएं देना है, मेरा काम पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है। मैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने दुश्मनों को जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मेरे बारे में गलत सोच रखते हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ दुआएं दूंगी। आइए गीबत को, बुग़्ज़ को, शिकायत को, नेगेटिविटी को दुआओं से बदलते हैं। दुआ यानी हाई वाइब्रेशन थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, खूबसूरत सोच। आई एम अ पॉजिटिव पीसफुल सोल एंड दैट्स ऑल व्हाट आई विल शेयर विद एवरी वन अराउंड मी। आप भी अपनी नेगेटिविटी को तब्दील करके दुआओं का तोहफा लोगों को दीजिए।